माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए आया हूं शिक्षक हूँ तो प्रश्नों पर बात करूंगा और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्नों के उत्तर पर बात करूंगा राजस्थान बोर्ड द्वारा हाल ही में मॉडल टेस्ट पेपर्स जारी कर दिए गए हैं और आप सभी जो बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं इस समय निश्चित बात है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की, की तैयारी के साथ साथ अपना ध्यान आप बारहवीं बोर्ड की तरफ भी लेकर जा रहे होंगे महत्वपूर्ण यह है कि हम किस प्रकार अपनी तैयारी जो कि बोर्ड की, की तैयारी है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है उसे किस प्रकार संतुलित कर पाते हैं ये संतुलन ही निर्धारित करेगा कि परीक्षा परिणाम कैसे होंगे लेकिन मेरे विद्यार्थी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप बहुत काबिल हैं बहुत मेहनती हैं इसलिए संतुलन भी कर पाएंगे और परीक्षा परिणाम भी शानदार होंगे तो मॉडल टेस्ट पेपर का एक प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए जबरदस्त प्रश्न है इसे कहते हैं कि ये प्रश्न आपको कई सारी जिसे कहते हैं ना कि शिक्षाएं देगा ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है लेकिन ये बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये हमें दिशा देता है क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तो एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे मॉडल टेस्ट पेपर में मॉडल प्रश्न पत्र में मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता में सही संबंध है और आपके पास में चार उत्तर हैं चार विकल्प हैं पहले मैं आपको दिया हुआ एक्सएम इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस वन एक्सएम इज इक्वल्स टू म्यू आर प्लस वन एक्सएम इज इक्वल्स टू म्यू प्लस वन एक्सएम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन निश्चित बात है कि सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है सैद्धांतिक प्रश्न है इसलिए यदि आपको सूत्र आता है तो आप इसे निश्चित तौर पर एक सेकंड में ही कर देंगे और जिस विद्यार्थी को सूत्र पता है वो कहेगा सर उत्तर ए होना चाहिए और यहां वो लिखेगा एक्सएम इज इक्वल्स टू मी आर माइनस वन अब महत्वपूर्ण शिक्षा यहां से शुरू होती है आप समझते हैं कि इस प्रश्न के साथ साथ आपने क्या सीखा ये अकेला प्रश्न कर लेना और इससे संबंधित कई चीजों को भी या उन पर भी दक्षता हासिल कर लेना बस यही अंतर है मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण राशियों के बारे में बताता हूं म्यू पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता पदार्थ का चुंबकीय गुण है म्यू और पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता और फिर आगे बढ़ेंगे आप तो जिसे कहते हैं म्यू जीरो इसके लिए तो हमें पता है कि ये वायु निर्वात तथा मुक्त क्षेत्र की निरपेक्ष चुंबकशीलता है एक पर नहीं तीनों पर नजर होनी चाहिए और आप सब बच्चे यहाँ से समझते हैं कि म्यू आर कुछ नहीं होता टू, म्यू आर है और मेरे विद्यार्थी यहाँ निर्णय लेते हैं सर सापेक्ष चुंबकशीलता का निश्चित तौर पर कोई मात्रक नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि जो म्यू का मात्रक है वही म्यूजीरो का मात्रक है तो पहला निर्णय यह आया कि जब हमारे पास आने वाले समय में किसी भी तरह का पृष्ठ मात्रक और विमाओं पर होगा तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा आप कहेंगे साबिक चुंबकशीलता एक मात्रहीन और विमाहीन राशि है आगे बढ़िएगा आपको यहाँ एक्सएम मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है आप इसे कह सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति ये एक्सएम जो है आपके पास में आई अपॉन एच के तुल्य है और आप सब बच्चों को यह अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए क्योंकि यही परेशानी है कई बार हमें बी फिर एच और फिर आई यह चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता है बी चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता है एच चुंबकन तीव्रता है मैं दोहरा रहा हूं चीज को बी चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता है एच चुंबकन तीव्रता है और शब्दों पर ध्यान नहीं होने के कारण कई बार भूल होती है गलती होती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में गलती की सजा मिलती है मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको गलती से बचाऊं। तो पहले तो मैं आपको यह कहूंगा कि शब्दों पर ध्यान दें लेकिन मैं एक शिक्षक हूं आप विद्यार्थी हैं हमारा संबंध मैं कई वर्षों से आपको जानता हूं जब हम परीक्षा देते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर हो जाता है जल्दबाजी में तो हम आपको कहते हैं कि शब्द पर यदि ध्यान हटता भी है तो मात्रक पर ध्यान दीजिए आप कहेंगे सर बी का मात्रक निश्चित तौर पर बी और एच के मात्रक अलग अलग है और ये जो एक्सएम है वो आई अपॉन एच है और ये आई और एच के मात्रक समान हैं और ये मात्रक आपके पास कुछ और नहीं है बल्कि एम्पियर प्रति मीटर है तो यदि एम्पीयर प्रति मीटर में कोई चीज मिलती है एम्पीयर प्रति मीटर में कोई चीज मिलती है तो निश्चित तौर पर भी नहीं हो सकता अब चुंबक और चुंबकन इसको पढ़ाई में भूल भी कर जाए तो एम्पियर प्रति मीटर आपको जोर से चिल्ला के कहता नहीं भाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तो भी होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तो भी होगा एम्पियर प्रति मीटर है तो एच होगा और निश्चित बात है कि आपके जितने भी मात्रक और बीमाए हैं ये आपको रोक लेते हैं गलती करने से तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ समझ आया होगा कि ये जो आपके पास राशि है एक्सएम जो बहुत महत्वपूर्ण है ये कौन सी राशि है ये मात्रकहीन राशि है विमाहीन राशि है ये म्यू निश्चित तौर पर ये भी मात्रकहीन और विमाहीन है अब आप मुझसे बात करेंगे म्यू की तो म्यू तो मात्रकहीन और विमाहीन नहीं है मेरे मित्रों तो आपको यह तो समझ आ गया कि म्यू मात्री विमाहीन नहीं है आपको यह भी समझ आ गया है कि एक्सएम विमाहीन है आपको यह भी समझ आ गया है कि म्यूआर म्यू विमाहीन है तो मेरे विद्यार्थी बिल्कुल ठोस होकर जिसे कहना चट्टान की तरह अडिग होकर कहते हैं सर यह कभी उत्तर नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता काहे का कंफ्यूजन का बेवकूफ लोग कंफ्यूज होते हैं मैं बेवकूफ नहीं हूं सर यह भी उत्तर नहीं हो सकता क्यों क्योंकि मात्रक और विमाओं के जो सिद्धांत आपने पढ़ाए हैं और सिद्धांत हमने पढ़े हैं म्यू निश्चित तौर पर एक राशि है जिसका मात्रक है जिसकी विमा है और ये किसी विमाहीन राशि के तुल्य नहीं हो सकती ये विमीय स्वरूप में गलत है सी विमीय स्वरूप में गलत है डी विमीय स्वरूप में गलत है अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचते हैं ए और बी और मुझे सूत्र मालूम है एक्स एम इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस वन होता है यहीं से ये यह एक्स में जो आपको निर्धारित करके बताता है कि मेरा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है मेरा पदार्थ अनुचुंबकीय है या मेरा पदार्थ लोहचुंबकीय है क्योंकि आप अच्छी तरह से समझते हैं कि म्यू जो राशि है ये आपकी 1 से कम होती है प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए सिर्फ प्रति लिखा है दोस्तों प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए और यदि म्यूआर का मान एक से बड़ा है तो आप कहेंगे ये अनुचुंबकी है और यदि म्यूआर का मान एक से बहुत बहुत बड़ा है तो निश्चित तौर पर वो लोह है गणित समझिएगा ये गणित इस समय भौतिकी का भी है जीवन का भी है और सफलता का भी है बच्चा कहता है विद्यार्थी कहता है सर म्यूआर यदि एक से कम है तो यहां एक्सएम ऋणात्मक आएगा हाँ याद आ गया सर निश्चित तौर पर याद आ गया आपने समझाया था कि प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए आपका एक्सएम ऋणात्मक होता है यहां से तो ऋणात्मक हो ही नहीं सकता था यह भी उत्तर नहीं हो सकता यही उत्तर है तो आपको मालूम है कि प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए एक्सएम ऋणात्मक अनुचुंबकीय के लिए निश्चित तौर पर क्योंकि ग्रेटर देन वन है तो धनात्मक होगा और लो चुंबकीय पदार्थों के लिए तो धनात्मक होगा ही होगा प्रश्न एक था लेकिन कुछ ही क्षणों में कुछ ही मिनटों में बहुत सारी चीज़ों को हमने रिवाइज कर लिया दोहरा लिया बस दिसंबर समाप्त होने वाला है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यही प्रवृत्ति रख के आगे बढ़ना है मिलता रहूँगा आपको याद है ना मोशन है तो भरोसा है धन्यवाद शुक्रिया